हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप? सभी लोग आई हो, सारे भाई बढ़िया होंगे। जो कड़ू बैठा दे देख रहा है क्या कर रहा है। व्हाट्सअप मैन, व्हाट्सअप। तो भाई मैं हूँ अभी उन्हें स्कूल पे, और आज मशीन में करेंगे ठीक इसको। दो तीन छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, एक तो इसकी जो गियर बॉक्स की पाइप भी फटी हुई थी, वो भी करवाएंगे आज ठीक। तो इसका मैंने जो इंजन ऑयल है मैंने ड्रेन कर दिया था ठीक है। तो अभी इसको चैम्बर को खोल दूंगा, थोड़ी सी धूप आ जाए उसके बाद फिर उन्हें चैम्बर की बोल्ट खोलने के लिए। भाई ये इससे ही खोलेगा चैम्बर का बोल्ट ठीक है। ये गोटी ये एक्सटेंशन की होती है इसकी ये। तो भाई ये जो प्रॉब्लम नहीं ना, ये पहले से थी, बट पहले थोड़ा सा कम आता था इंजन ऑयल, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे एक एक टप कई देर में आता था। तो अब ये मतलब ज्यादा फास्ट हो गया था, तो इसलिए मुझे खोलनी पड़ेगी बार बार में, फिर इंजन ऑयल इसके अंदर डालना पड़ता, क्या फायदा उससे। तो इतना तो मैं इंजन ऑयल ही डाल दूंगा जितना चलेगी वहां पे, तो इसलिए मैंने खोलनी पड़ेगी। तो भाई ये होती है वो वार्निंग पट्टी, ये देख लो इसके अंदर ये होता है चेतावनी डेंजर, इनके पूरे मोबाइल वो होते हैं सारे नंबर नंबर। तो भाई ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना मशीन में, इसका एक और रीजन हो सकता है मशीन का, क्योंकि मशीन सर्विस मांग सकती है अगर ये रीजन होता है तो इंजन ऑयल बाहर आने का। मैंने पिछली बार की थी इसकी सर्विस, अक्टूबर में की थी, 400-500 घंटे हो लिए। तो भाई ये मैंने खोल दिया इसका चैम्बर, और भाई इसमें तो बिल्कुल सही है ये, तो ये सील देख लो बिल्कुल पीछे वाली, ये अगले वाली। तो भाई ये था कि मशीन सर्विस मांग रही थी इसलिए ये दिक्कत कर रही थी। मैं इसको वापस फिट कर दूंगा यहाँ पे अन्नामोंड, ताकि यहाँ पे साइड साइड में यहाँ पे सील के ऊपर फिर इसको फिट कर दूंगा। और भाई ये खोलना जरूरी भी था, क्योंकि रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं था इसके अंदर, क्योंकि अगर ये सील कटी होती ना तो फिर और दिक्कत आती। तो अब खोलने से तसल्ली होगी कि ये सील सही है बिल्कुल, बाकी सब ओके है, सर्विस की वजह से कर रही थी ठीक है। तो आज मैं इसकी सर्विस कर दूंगा और इसको वापस इसके अंदर फिट कर दूंगा। और भाई नीचे से सब कुछ एकदम सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, यहाँ से आ रहा था ऑयल ये देख लो। अब इसको फिल्टर और खोल देता हूँ एक बार। ये फिल्टर खोल दिया भाई, इसका बुरा हाल हो रहा बेचारे का, भाई सर्विस तो मांग रही थी मशीन, बिल्कुल जायज बात मशीन की भी सर्विस करो मेरी। और भाई मशीन की है ना 500 घंटे पे सर्विस हो जानी चाहिए वैसे तो इंजन की, क्योंकि भाई ये देख लो 500-600 घंटे हुए मशीन को, धुआं भी बहुत ज्यादा आने लग गई थी इसकी। तो मैं सोच ही रहा था कि इस वाले हफ्ते में इसकी सर्विस कर दूं, तो फिर इसका ये प्रोग्राम बैठ गया था। A few moments later. तो भाई मैं हूँ अभी अपने होटल पे, और वो जो मैंने उसका चैम्बर था मशीन का वो मैंने उसके अंदर फिट कर दिया था। तो अभी मैं रेवाड़ी होके आऊंगा, इंजन ऑयल आएगा मशीन का और फिल्टर आएगा दोनों, एक डीजल फिल्टर और एक वो इंजन ऑयल फिल्टर ठीक है। तो यहाँ पे कोई आ जाता है होटल पे, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर रेवाड़ी होके आएंगे। अपना जो जहाज है जंगी जहाज ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, इस पे चलेंगे ओके। A few moments later. तो भैया मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ पे रेवाड़ी बालाजी मार्केट में ठीक है, जंगी जहाज पे अपने पे। ब्रांड न्यू ड्रम है, और ड्रम कितना को आता होगा, महंगा ही आता होगा ना। पूरा ड्रम ले ले 45,000 में। मैं पूरा ड्रम ले ले, मेरे को फैक्ट्री चल रही है ना। खोलिए, खुली पड़ी मुंह डल गया हैं, मतलब पूरी खोल ला गया। वो ये ले लिए इंजन ऑयल ठीक है, अभी फिल्टर की बारी। ले ये तो मोबाइल को ले, ये तो है भाई वो इंजन ऑयल फिल्टर ओके। नंबर होते हैं ना यही होते हैं उसके फिल्टर के, रेट तो कम होगा ना को वैसे। लीड गार्ड को महंगो रहे ऐसे वैसे। हाँ आ रहा है महंगो, लीड गार्ड को टाटा ना महंगो रहे ऐसे। तो कंपनी तो वाइज है ना, कंपनी वाइज है फिर, लेकिन रेट वैसे महंगो रहे ऐसे। पर तू चल वही लगा ले वही के जो बताए थे 980। भैया मैं आ गया अपने होटल पे, तो ये मैं इंजन ऑयल ले आया हूँ और इसमें फिल्टर है भाई। इंजन ऑयल की वो जो बाल्टी थी वो थी भाई कुछ 3500 रुपए की, पर वो अभी अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे दुकान वाले के पास। खुला जो ड्राम आता ना पूरा बड़ा
उसमें से दिया था उसने, मैक का है ओरिजिनल, बिल्कुल बढ़िया इंजन ऑयल है। और मैं हमेशा ये यूज करता हूँ, मैक वाला जो आता है ना ये, और जो ये है फिल्टर, ये जो इंजन ऑयल का फिल्टर है ये तो है भाई ओरिजिनल टाटा का, ठीक है। और एक ये जो डीजल फिल्टर मिला है ये भाई फ्लिटकार्ट का मिला है, ये भी बढ़िया कंपनी है, टाटा की अप्रूव्ड कंपनी है ये फ्लिटकार्ट, ठीक है। सेम ही प्राइस होता है इनका फ्लिटकार्ट का भी और जो टाटा का भी, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं बाल्टी मिलती तो भाई वो आती है 15 लीटर की बाल्टी, ठीक है, तो वो 3600-3700 की कुछ करीब आती है इसकी। और ये आया भाई 500 रुपए का फिल्टर, इंजन ऑयल का फिल्टर जो 500 रुपए का, और ये 480 का, 500 के हिसाब, 500 के अंडर ही है, ठीक है। टोटल जो सामान आया इसका ये 3280 रुपए का आया था। और वैसे अगर मैं वो बाल्टी खरीदता वहां से इंजन ऑयल की, 15 लीटर की बाल्टी वो आती 3700 रुपए की, और प्लस ये 1000 रुपए इनके, 4700 रुपए का कुछ बैठता समथिंग, ठीक है। और अभी ये आ गया 3280 रुपए का, मतलब 1500 रुपए का। और भाई वही बात रहती कि उसके अंदर जो इंजन ऑयल आता है वो फालतू आता है, तो ये मैं अपने हिसाब से ले आया हूँ, ठीक है। तो भाई मैं मिलता हूँ कल एक और ब्लॉग के साथ, ठीक है भाई। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, आज भाई मैं हूँ अभी यहाँ पे होटल पे हूँ अपने, तो आज का जो आज तो यहीं पे रात हो जाएगी। कल करेंगे मशीनी सर्विस सुबह सुबह बिल्कुल, क्योंकि कल फिर वो पाइप वाला जो काम है ना वो भी रह रहा है, वहाँ पे जाना है फिर।